अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको एप्पल विनेगर बनाना सिखा रही हूँ। और ये मैंने तकरीबन आधा किलो जो है वो सेव ली है और उसमें 3 गिलास पानी डाला है ये जग में। और सेव के तकरीबन मैंने 6-6 टुकड़े जो हैं वो किए हैं। तो एक सेब जो है वो ये तकरीबन 8 सेब थे, तो उसमें हर सेब पे 1 टेबलस्पून जो है चीनी डालनी होती है। तो 8 ही टेबलस्पून जो है मैंने चीनी डाली है उसमें। और फिर इसको हिला के अच्छी तरह से लकड़ी के चम्मच से, तो इसको जो है ये सूती कपड़े से ऊपर से नॉट लगा के पूरा उसको कवर करके तो 3 दिन के लिए रख देना। 3 दिन के बाद फिर आपने शाम को इसमें वो उसी लकड़ी के चम्मच से आपने इसको हल्का हल्का हिला के तो फिर जो है फिर कपड़ा बांध के फिर रख देना है। ये तकरीबन 35 दिन के लिए जो है इसको इसी तरह रखना है। और पिछले साल भी मैंने बनाया था तो बहुत अच्छा बना था और पूरा साल हमारे पास रहा है। फिर एक बोतल में थोड़ा सा रह गया था तो वो मैंने किसी को अभी गिफ्ट कर दिया था। तो ये बहुत अच्छा जो है बनता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। बस इसका ये ख्याल रखना है कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना इसको हिलाना होता है। वो आप देख रहे होंगे अभी भी बबल जो है उसके वो नजर आ रहे हैं अंदर। तो ये तीसरे दिन जो है, बल्कि किसी के दूसरे दिन बन जाते हैं या तीसरे दिन बबल बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये अच्छा साइन होता है कि ये सिरका बनना जो है वो शुरू हो गया। तो इससे आपने नहीं घबराना और जो है ना इसको बस हिला के आपने छोड़ देना। जरा नीचे से दिखाएं वो कलर कितना अच्छा आया, नज़दीक से दिखाएं इसमें कलर कितना अच्छा आ रहा है। लेकिन ये कलर वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। तो अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो बहुत ये महंगा पड़ता है, तो आप अगर घर में बना लें तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को इस चीज़ की सहूलत हो, क्योंकि ये एक आसान सा नुस्खा है जो आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह हाफिज़।